हर सरकार अलग अलग समय पर दावे करती रहती है कि नक्सलवाद देश में खत्म होने की कागार पर है, लेकिन हर साल देश में सैकड़ों नक्सलवाद से जुड़ी घटनाएं सामने आती रहती हैं और ये घटनाएं बताती हैं कि देश के कुछ हिस्सों में आज भी नक्सलवाद सिर उठाए देश के जवानों को चुनौती दे रहा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मंगलवार की सुबह सुरक्षा बलों के जवानों को बड़ी कामयाबी मिली। गंगालूर इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में जवानों ने अब तक 9 नक्सलियों को मार गिराया है। वहीं घटनास्थल से LMG लॉन्चर और भारी मात्रा में नक्सलियों का सामान बरामद हुआ है। खबर है कि मौके से कई अत्याधुनिक हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि सोमवार की रात DRG, STF, कोबरा व CRPF की संयुक्त पार्टी सर्च अभियान के लिए गंगालूर इलाके में रवाना हुई थी। अभियान के दौरान मंगलवार की सुबह 6 बजे के करीब गंगालूर थाना क्षेत्र के लेंड्रा के जंगल में पुलिस की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो गई। शुरुआत में इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस जवानों ने 4 नक्सलियों को मार गिराया। मौके से जवानों ने नक्सलियों के शव सहित एक LMG ऑटोमेटिक हथियार, BGL लॉन्चर व भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद, दैनिक उपयोग की सामग्री जब्त की है। पुलिस ने दावा किया है कि मुठभेड़ में कई नक्सली घायल भी हुए हैं। इलाके में सर्चिंग अभियान जारी है। दोपहर तक मरने वाले नक्सलियों की संख्या 9 पहुंच गई है।